उत्तर पश्चिमी रेलवे के जीएम टीपी सिंह आज अलवर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने स्टेशन पर करीब 40 मिनट तक निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं सहित यात्री सुविधाओं का जायजा लिया, साथ ही कर्मचारियों को यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी करने के निर्देश दिए। रेलवे जीएम के वार्षिक निरीक्षण की वजह से आज कर्मचारी खासे चौकस नजर आए। इस दौरान उन्होंने अलवर रेलवे स्टेशन पर मेडिकल सुविधाओं, यात्री विश्राम गृह, टिकट विंडो और स्टेशन के बाहरी क्षेत्र का भी निरीक्षण किया। स्थानीय रेलवे कर्मचारियों की सुविधाओं के लिए शहर के एक निजी अस्पताल के साथ MOU किया गया, जिससे कर्मचारियों और उनके परिवार को बेहतर इलाज मिल सकेगा। इसके अलावा जीएम ने AC रूम और ट्रेन इंक्वायरी इलेक्ट्रिक डिस्प्ले बोर्ड का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर जीएम टीपी सिंह ने बताया कि निरीक्षण में जो खामियां मिली हैं उनको सुधारने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस साल अलवर बांदीकुई रेलवे मार्ग के दोहरीकरण का काम पूरा हो जाएगा, साथ ही रेलवे ऐप के जरिए यात्रियों को गाड़ियों की सही जानकारी मिल सके, इसके लिए डाटा ट्रैकर लगाए गए हैं। निरीक्षण के बाद जीएम स्पेशल ट्रेन से जयपुर के लिए रवाना हो गए। वापसी में उन्होंने राजगढ़ और बांदीकुई के बीच दोहरीकरण सहित रेलवे ट्रैक पर बन रहे पुल और अन्य गतिविधियों का भी निरीक्षण किया। वहीं रेलवे जीएम के निरीक्षण के दौरान पार्षद नवजोत सिंह भमलोत के नेतृत्व में महिलाओं ने पहुंचकर हंगामा किया और काली मोरी फाटक पर अंडरपास बनाने की मांग उठाई। इसके बाद पार्षद और प्रतिनिधि मंडल से जीएम ने बातचीत की और जल्द ही इस समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। वहीं अलवर सांसद डॉक्टर करण सिंह ने भी रेलवे संबंधी समस्याओं को उनके आगे पहुंचाया। डॉक्टर करण सिंह के प्रतिनिधि मंडल में दीन बंधु और वरुण यादव ने अलवर की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए सांसद लिखित पत्र उत्तर पश्चिमी रेलवे महाप्रबंधक को सौंपा। इसमें मुख्य तौर पर अलवर मथुरा रेलवे लाइन पर गाड़ियों की संख्या में वृद्धि करने, अलवर दिल्ली के लिए दोपहर में यात्री गाड़ी चलाए जाने और साथ ही जयपुर खैरथल चलने वाली ट्रेन जो पिछले 2 माह से बंद है उसे पुनः शुरू करने सहित विभिन्न समस्याओं के समाधान की बात रखी।